तो मैंने अप्रॉक्स 20 डेज की छुट्टियाँ ली थी जो आज पूरी हो जाएंगी, जिसमें मैंने बहुत सारा फन किया, मजे किए, मस्ती की, मज़ा आया। और अभी घर से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज महेंद्र, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। टुडे इज 17th of November और अभी बस जाने की तैयारी हो रही है, तो ये सब पैक करना था जो रात में नहीं किया, तो अभी बस उसको फटाफट पैक करूंगा और उसके बाद बस नाश्ता वगैरह करूंगा और फिर निकलते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो गया है और ये दोनों बैग जो मैंने तैयार कर लिए हैं रेडी हो गए हैं, तो अभी बस निकल रहा हूँ। वाली जैकेट दे दो मेरी, अच्छा जैकेट भूल ही गए। बाय बाय। तो अभी आ गया हूँ स्टेशन और ये मेरा पीछे भाई है, वो छोड़ने आया था और करीब 5 मिनट बाद अभी ट्रेन आ जाएगा। अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हो ही गया है। चार्जर, आधार कार्ड ले लिए? हाँ सब ले लिए, चार्जर भी। चाबी कहाँ है? अरे ले जाओ ले जाओ। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। पीछे ही अपनी ट्रेन आ गई। मम्मी दवाई में ले लेना, ठीक है? तो भाई सामने देख रहे, एस्केलेटर जाने के लिए भी हमको लाइन लगाना पड़ रहा है। चलो भाई लाइन लगाते हैं। सो वेलकम टू दिल्ली। तो भाई दिल्ली में आ गया हूँ और फिलहाल ये मेरा रहा बैग। सफ़र एकदम मज़ेदार, मस्त रहा एकदम, और टाइम पे आया हूँ एग्जैक्ट। और अभी क्या है, थोड़ा सा भूख लगा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना पहले होटल वगैरह ले लेता हूँ। तो फटाफट मैं पहले होटल लेता हूँ, उसके बाद क्योंकि ये जो लगेज वगैरह भी है बैग जो पीछे भी लगा हुआ है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा रखने के लिए, उसके बाद कहीं पर भी जा सकता हूँ मैं। तो फिलहाल मैं होटल लेता हूँ, उसके बाद खाने वाने के लिए निकलते हैं कहीं। तो यार अभी होटल भी थोड़ा सा पास लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कल का जो मेरा फ्लाइट है वो करीब 6:50 पे है, जो कि मॉर्निंग में। तो होटल अगर पास रहेगा तो इजी रहेगा, क्योंकि जो सुबह सुबह मेट्रो वगैरह तो चलेगा नहीं, और कैब के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा अगर पास में ले लूँगा। तो जो भी है प्लान पहले यही है कि एयरपोर्ट के पास ही होटल लूँगा, बस अभी वहीं सर्च करना है। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली एरो सिटी। एक्चुअली क्या है कि मैं होटल सर्च वगैरह कर रहा था, तो यहाँ पे जो होटल लूँगा तो काफ़ी क्लोज पड़ेगा एक्चुअली, जिससे क्या होएगा कि सुबह निकलने में कोई दिक्कत नहीं होएगी। इस वजह से मैंने सोचा कि ना होटल यहीं पे पास में ले लूँगा, जिससे 3-4 किलोमीटर मैक्सिमम पड़ेगा एयरपोर्ट से डिस्टेंस, तो वो मॉर्निंग में कवर हो जाएगा। इस वजह से अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ होटल वगैरह देखने के लिए। हालाँकि मैंने ओयो में देखा है होटल, बस मैं डायरेक्ट सोच रहा हूँ उसी को बुक कर देता हूँ, डायरेक्ट वहीं निकलता हूँ। हरियाणा में नहीं चलेगा। इसी वाली गली में ना 100 मीटर दिखा रहा था। तो भाई देखो अपन होटल तो आ गए, जो बुक किया था वही ले लिया फिलहाल, और ये पास भी है थोड़ा सा, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा सुबह निकलने के लिए भी। अगर थोड़ा बहुत लेट भी उठा तो मैनेज हो जाएगा एटलीस्ट। तो अभी बैठे बैठे बस मैं सर्च मार रहा था गूगल मैप में कि कोई आसपास मॉल वगैरह है तो वहीं निकल जाता हूँ। तो अभी देखा तो 3-4 किलोमीटर पर दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं निकल जाता हूँ, यहाँ पर कम से कम जाऊँगा थोड़ा टाइम पास तब भी हो जाएगा, यहाँ पर बैठ कर अभी क्या करूँगा, तो वहाँ पे थोड़ा खाना वाना भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। फिलहाल मैं सोच रहा था कोई ले भी लेता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये बैग फुल है ना, ये फुल है, ये भी एकदम फुल्ली पैक्ड है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ और आएगा।
फिलहाल मैं कुछ लूंगा भी नहीं, ऐसा डिसाइड किया। और तो अभी मैं बस फटाफट फ्रेश होता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। तो अभी बस मैं फ्रेश ही हो रहा था, हाथ मुंह धुला, तो जैसे ही मैंने ये जब मुंह पोंछा ना, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाई देता हूँ। तो ये देखो जरा, ये दिल्ली का पोल्यूशन देखो आप, नेक्स्ट लेवल। तो फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, चलो अब निकलते हैं पहले। तो अभी मोबाइल भी चार्ज पर लगाया, देखता हूँ कुछ चार्ज वार्ज हुआ या नहीं। 30% चार्ज हो गया, चलो निकलते हैं। तो भाई मैंने अभी तक ये बाइक शेयर यूज नहीं किया था, आज मैंने इसको ही बुक कर दिया, देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसमें। मॉल तो मैं आ गया हूँ, लेकिन जो मैंने बाइक शेयर बुक किया था वो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका ड्राइवर था उसको अभी कुछ बोला था कि कुछ रिसीव करना है पार्सल, उसके बाद वो आएगा। तो करीब उसको लगने वाले थे 20 से 25 मिनट, और इतना टाइम था नहीं, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने अभी कैब वगैरह करके फिर आया हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल के लिए तो अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे मिल गई है, क्योंकि सर्दी का मौसम भी आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ ग्लव्स ले लेता हूँ। तो अभी मैंने ये ग्लव्स पहना है, देखो ये ठीक रहेगा। तो भाई मैंने ये तो ले लिया है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि कैप अगर मिल जाए, वार्म कैप तो बढ़िया रहेगा, तो अभी बस उसको ही देख रहा हूँ, वो अगर मिल जाएगा तो और बेहतर रहेगा। तो भाई अपना हो गया शॉपिंग कम्प्लीट, छोटा सा शॉपिंग था, लेकिन ये अच्छा हुआ है कि मेरे को डीकैथलॉन का स्टोर मिल गया पास में, जरा पीछे डीकैथलॉन का स्टोर। तो इससे क्या हुआ, मेरे 2-3 काम आसान हो गया, एक तो ग्लव्स भी मिल गया, हेड गियर भी मिल गया, और नेक बैंड भी मिल गया। तो ये बढ़िया रहेगा अपने लद्दाख की ट्रिप के लिए, क्योंकि अभी तो वहीं पर रहना है फिलहाल के लिए, तो बढ़िया। चलो अब निकलता हूँ मैं फटाफट, बस खाना खाऊंगा उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भाई खाना पीना टहलना घूमना सारा कुछ हो गया, और बस फिलहाल अभी क्या करना है, इस बैग को इसमें शिफ्ट करना है, क्योंकि जगह तो बिल्कुल भी नहीं है, कैसे भी करके इस पर एडजस्ट करना है। और ये मोबाइल दोनों चार्ज करने हैं, क्योंकि दोनों डिस्चार्ज हो गए हैं, और थक भी बहुत गया हूँ। तो बस अभी रेस्ट करूँगा और बढ़िया सी नींद लूँगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है, करीब 4 बजे मेरे को तैयार होना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल करता हूँ इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।